हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आन्या ग्रीन एनर्जी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं अमन मौर्य, आपका दोस्त। तो चलिए आज आपको दिखाने के लिए आ चुका हूं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में, जमुई नामक गांव है। तो यहां पर मैं पहुंचा हूं और यहां पर 22 किलोवाट का सोलर प्लांट आन्या ग्रीन ने लगाया था, जो कि 5 साल से चला रहे हैं। तो चलिए इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं, देखते हैं इनका कैसा काम चल रहा है और किस तरीके से ये अभी तक काम कर रहे हैं, कि इनका अनुभव बताते हैं कि कैसे इनका काम चल रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। ये सामने रोड है और यहाँ पर जैसे एंट्री मारेंगे तो यहाँ पर ये दिख जाएगा। और अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं कारखाना जो कि अभी नीचे चल रहा है। तो चलिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें तो ये इनकी दुकान है और यहाँ से इसमें एंट्री होती है। ये सारा काम इनका अभी चल रहा हुआ है और ये पूरा जितना भी आपको देख पा रहे होंगे, ये सारा कुछ यहाँ पे इससे होलर से रन होता है। 22 किलोवाट का प्लांट है और ये आप देखें तो इस प्रकार से यहाँ पे काम चल रहा है। और इनका कोल्हू आपको दिखा देते हैं, तो ये देखिए पुराने ज़माने का कोल्हू है। और उधर भी एक एक्सपेलर चल रहा है 6 वोल्ट का, और उसके साथ ये इंजन है जो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा होगा, इसके बारे में पूछेंगे। और इधर आप देखें तो चक्की है, मसाला चक्की है, और यहाँ पर इनकी VFD लगी हुई है। तो कुछ कारखाना इनका इस प्रकार से है और ये भैया लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये जो खड़े हुए हैं हमारे सर, इन्हीं का ये प्लांट है और ये कस्टमर लोग यहाँ पे आए हुए हैं इनके। ये है मोटर 15 HP का, जो कि 22 किलो प्लांट है, तो 15 HP मोटर बहुत ही आराम से रन करता है। और ये आप देख लें मोटर किस प्रकार से रन कर रहा है, और आवाज़ भी सिर्फ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो नॉर्मल आवाज़ है। और यहाँ पर देखें इनका पूरा साफ टीम जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक बना हुआ है। इनका काफ़ी बड़ा कारखाना है, मतलब उधर है 6 वोल्ट का कोल्हू, फिर इधर एक कोल्हू, और उसके साथ में इधर मसाला चक्की है, फिर आटा चक्की है, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको इनका दिखाऊं लेखा जोखा, तो ये काफ़ी आप देखिए भरा हुआ है। भैया ये कोल्हू क्या कहते हैं, इस कोल्हू को कुछ नाम बताएंगे? इसका कोल्हू का नाम है, कोल्हू ही है, मतलब पुराने टाइम का है ना, जब से चालू है तब से ही चल रहा है। ये बेहतर है कि वो बेहतर? इसमें तेल बढ़िया निकलता है, जलन जलता नहीं है तेल। हाँ, पैर की गार के निकलता है। हाँ सही बात। तो ये है इनका, देखिए तेल निकल रहा है इधर। तो अभी हम आ गए हैं छत पर और ये देखिए आप, ये छत है और धूप तो है भाई, क्योंकि दोपहर का टाइम है तो धूप तो रहेगी। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ पीछे दिखाऊँ तो ये पूरा प्लांट लगा हुआ है, और इसको भी मैं दिखा देता हूँ आपको बैक कैमरे से। तो ये आप देखो पैनल यहाँ पर लगे हुए हैं और टोटल यहाँ पर 72 पैनल आपको दिखेंगे। तो यहाँ के कुछ आधे पैनल हैं जो बाद में लगे हैं, वो करीब 335 वाट के पॉली पैनल हैं। और वहाँ पर उधर जो सीरीज़ दिख रही हैं आपको, लाइटिंग अरेस्टर 1, 2, 3, और उधर के जो पैनल दिख रहे हैं वो 325 वाट के हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको नीचे से दिखा देते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से लेके वहाँ तक GI का है, और ये देखिए 5 साल पहले लगा था प्लांट। तो अभी पूछते हैं कि प्लांट कैसा चल रहा है, और इसकी वायरिंग भी आपको दिखा देते हैं नीचे से, ये देखिए। तो अभी तक तो ये बेहतरीन ढंग से लगा हुआ है। स्ट्रक्चर के बारे में पूछेंगे कि कैसा है, सही है कि नहीं है, और कस्टमर का अनुभव बहुत ज़रूरी है, वो भी पूछेंगे। तो इस प्रकार से इसका वायरिंग और स्ट्रक्चर आप देखें, मिड क्लंप, MC4 कनेक्टर, सारी चीज़ें यहाँ पे, सब कुछ। स्ट्रक्चर भी देखिए आप, और बंदर के लिए उधर तार लगाया हुआ है ताकि कोई दिक्कत ना होने पाए। तो ये इस प्रकार से था। चलिए अभी आप कस्टमर को बात कराते हैं आपसे। तो दोस्तों अभी सर हमारे साथ हैं जिनका ये प्लांट है, सर अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। हमारा नाम उदय शंकर वर्मा है जी। वही चक्की तो हम बहुत पहले से लगवाए हैं, 1990 से जी। इसके बाद ये पैनल लगे हो गया आपका 5-6 साल लगभग, मतलब 5 साल से ये पैनल लगा है। कैसे पता चला था सर 5 साल पहले, तो इतना मतलब जानकारी कैसे पता चला कि सोलर से चलाते हैं चक्की? सोलर से देखे थे कहीं हम चलाते हुए। अच्छा। उन्हीं को देख करके आपके ऑफिस में पहुंचे थे हम, तो उस समय नहीं लगवाए, लेकिन उसके 2 साल बाद लगवाए हैं जी। अभी आप 5 साल से चला रहे हैं, आपका अनुभव बताइए, लोग देखना चाह रहे हैं। अनुभव तो मेरा बहुत है कि इससे बहुत मुझे फ़ायदा है। लाइट पे तो बार बार आता जाता है, ये तो अगर 8 बजे चालू हो गया तो शाम को 4 बजे तक चलता रहता है आराम से कंटिन्यू, चाहे सिंगल मशीन चले, चाहे 2 मशीन चले, चाहे 4 मशीन चले। लोड कितना है, मतलब नीचे कितना कितना मशीनें लगी है, मैंने देखा हमारा
एक आटा चक्की है, एक मसाले वाला चक्की है, एक कोल्हू है, एक स्पिलर है, चार मशीनें हैं जी। टोटल आपका 22 किलोवाट का प्लांट है और करीबन 5 साल हो गए हैं। हाँ, तो इस 5 साल में कुछ ऐसा रहा कि आपका प्लांट कभी कभी महीनों बंद पड़ा रहा हो? नहीं नहीं, बदरी में थोड़ा बहुत बंद होता है, जब बदरी रहेगा तब। हमारा तो 365 दिन में 364 दिन चलता है। क्या बात है, ये आप एकदम मतलब सही कह रहे हैं कि हम लोग के बताने कहने से? नहीं नहीं, आपके बताने से क्यों कहेंगे, जो चलता है। आप बदरी में भी आके देख लीजिए, अभी भी बदरी है, चल ही रहा है। अभी बादल था, मैंने देखा है। और होता ये है कि लोग कहते हैं कि सर्दियों में जो है प्लांट काम करेगा। सर्दियों में प्लांट काम करता है, समय 10 बजे से चलेगा, 3 बजे तक चलेगा। हमें मान लीजिए लाइट आप लगवा लिए हैं, तो लाइट भी तो 24 घंटे आपको नहीं मिलेगा, वो भी तो आनी पानी आएगा तो एक हफ्ता बंद हो जाएगा। ये तो आनी पानी आएगा, आनी पानी गया, बादल गया, काम इसका खत्म, स्टार्ट हो गया। उसके बाद जब से सोलर लगा है तब से मेरा लाइट और इंजन का खर्च बच रहा है, बिजली का मेंटेनेंस खर्च, इंजन का मेंटेनेंस खर्च। कभी इमरजेंसी आ गया, ग्राहक का काम है, तो इंजन भी चला लेते हैं, लाइट भी चला लेते हैं जी। लेकिन लगभग 90% काम आप? नहीं, 100% काम हम सोलर से करते हैं। 100% अब शाम को कोई 5 बजे आ गया तो उसको क्या करेंगे, वो कहेगा मेरा इमरजेंसी है, आप डीजल से चलाइए, डीजल का पैसा लीजिए। बिल्कुल। तो डीजल चला के उसका डीजल से काम करते हैं जी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप 5 साल से काम कर रहे हैं और आपने पहले बिजली और डीजल से किया, दैनिक जीवन है, इसमें क्या बदलाव देखने को मिला? इससे तो हमें बहुत बदलाव मिला जी। बिजली से चलाने में तो बहुत टेंशन होता था, लाइट आया गया, आधा घंटा चला, 10 मिनट बंद हो गया, फिर चला, 1 घंटा चला, 10 मिनट, आधा घंटा, फिर बंद हो गया, उसमें बहुत परेशानी होता था। इससे हमको बहुत सुकून है जी। इसमें हमको रात को नहीं चलाना पड़ता है, दिन में मेरा काम पूरा हो जाता है। वैसे तो रात को भी चलाओ, दिन को भी चलाओ, मतलब समय की बचत हो रही है, समय की शरीर को थोड़ा आराम भी मिल जाए। बहुत आराम, बहुत टेंशन कम हो गया। लाइट आ जा रहा है तो उसमें काम भी तो खराब हो जाता है ग्राहक का। अब इंजन से भी चलाएंगे तो 8 घंटा के ऊपर चलाएंगे तो आप कितना ज़्यादा डीजल लगेगा, 150 रुपया, 125 रुपया घंटा का खर्च आएगा, तो 1000 रुपया तो मेरा बचा ना रोज का जी। बिल्कुल। आप डीजल से कर रहे थे और 5 साल से, मतलब मान लीजिए डीजल या बिजली कुछ भी था, तो आपका एक साल का एवरेज खर्चा कितना आता था पहले? अब ये तो हम मैक्सिमम नहीं बता पाएंगे जोड़ के, नहीं आप लेकिन मंथली बता दीजिए। तो 12,000 रुपया महीना बिजली का बिल देते थे और लगभग 7,000-8,000 महीना का डीजल जलाते थे। अब हमको डीजल जलाना नहीं पड़ता है, 1,000 रुपया का डीजल आ गया तो 3-4 महीना चलता है। और बिजली का तो मान लीजिए वो रेंटल खर्च है, 5,000-6,000 जो भी आ जाए। अभी आप उसको तो इसलिए रखे हैं कि ज़्यादा बरसात में कभी हमको ज़्यादा काम आ गया तो उससे कर लेते हैं, अब डीजल का आवश्यकता पड़ता है तो डीजल से भी कर लेते हैं। दोनों है, मैं इससे टेंशन फ्री हूँ सोलर लगाने की वजह से, कि बिजली आया बैठ के जो ये नहीं आया पता लगा 4 दिन नहीं आएगा, कोई लंबा फॉल्ट हो गया, आनी पानी आया 4 दिन, पोलर टूटा है, 4 दिन बंद हो जाता है, ये तो नहीं ना बंद होगा। अभी बारिश होकर गया तो और बढ़िया काम करेगा, अब बारिश होगा पैनल धुल जाएगा, और बढ़िया पैनल धुल जाएगा तो और बढ़िया काम करेगा। इसमें क्या मेंटेनेंस आपको क्या दिखता है? मेंटेनेंस हमको कुछ नहीं अभी तक किए हैं, 5-6 साल हो गया लगभग चलाते, 5-6 साल चला रहे हैं। और कुछ लोग देखते हैं मतलब अनुभव, उनको हम शेयर करते हैं, आप जैसे कई हमारे कस्टमर हैं, तब भी आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी डीजल और बिजली से चला रहे हैं? भाई अगर जिसके पास जगह हो, पैसा हो, तो इससे बेहतर कोई सामान नहीं है। और एक बार अगर पैसा लग गया तो आप अपना ही नहीं देखिए, इससे दूसरे का भी स्वार्थ देखिए। जो प्रदूषण होता है जी, अब इतना सोलर हमने लगवा लिया तो कम से कम 500 पेड़ लग गया जी, बिल्कुल। इतना तो एनर्जी बची रहा है जितना प्रदूषण होता है। ये भी चलाएंगे तो आप वो भी कहीं कोयला जल के भी बनता होगा, ऐसे तो बनता नहीं है बिजली, वो भी प्रदूषण करता है जी। और इससे प्रदूषण मुक्त है जी। ये एक चीज़ बता दीजिए सर कि ये पैनल जो आपका लगा है स्ट्रक्चर, 5 साल में आंधी पानी ओला कुछ भी गिरा कोई समस्या आई?
अभी आपके सामने है, कोई टेढ़ हुआ है? नहीं, टेढ़ा तो नहीं हुआ, लेकिन आपके मुंह से हम सुनना चाहते हैं कोई समस्या या आंधी तूफान, क्योंकि जब वैसे ही है लगा हम हाँ। तो लगा के पहले डर रहे थे कि कहीं आनी पानी में टेढ़ ना हो, लेकिन टेढ़ तो हुआ नहीं अभी तक, अभी तक तो सही है। इसी से हम खुशहाल हैं, खाते पीते हैं आराम से, किसी का एक पैसा कर्ज नहीं मेरे ऊपर, पूरा संतुष्ट है आप? संतुष्ट है। आन्या ग्रीन के बारे में कुछ क्या कहना चाहेंगे? उनका तो काम सही है, एक काल पे लोग दौड़े चले आते हैं, एकदम बेहतरीन काम लगा कि नहीं? एकदम बेहतरीन, संतुष्ट है, एकदम संतुष्ट है। कोई अभी भी बहुत लोग सोचते रहते हैं कि हम आन्या ग्रीन से बात चल रही है, लेकिन अभी भी सोच रहे हैं कि लगवाएं कि ना लगवाएं, क्या होगा क्या नहीं होगा? नहीं, जिसको लगवाना है भाई वो तो खूब प्रेम से लगवाए और निश्चिंत होकर लगवाएं। जी तो चलिए, ये थे हमारे सर जिन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया, और अगर आपको वीडियो और अनुभव पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आन्या ग्रीन एनर्जी सोलर एनर्जी रिलेटेड सभी वीडियोस यहाँ पर इस चैनल पर मिलती हैं। और अगर किसी को अपने नॉर्मल आटा चक्की को बदल के सोलर आटा चक्की में लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, आप लोग फ़ोन करिए और संपर्क करिए आन्या ग्रीन एनर्जी से, हम आपका प्लांट बहुत ही बेहतरीन और अच्छी क्वालिटी से लगाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।